50 भेड़ियों से दोस्ती करने से बेहतर है किसी एक शेर से दोस्ती करो, क्योंकि वक्त पड़ने पे 50 भेड़िए तुम्हारा साथ छोड़ देंगे लेकिन एकलौता उस शेर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, वो दिन दूर नहीं है कि एक रथ बनेगा और उस रथ पर सवार होकर के बिहार का बेटा सबको धन्यवाद देने जाएगा। उस आशीर्वाद यात्रा के दौरान बिहार के हर जिले में लोग जाकर क्या जवाब देना चाहेंगे, जिनकी बहुत सारे वीडियोस आपने भी देखे हमने भी देखे हैं, कभी आतंकवादी बोला गया, कभी देशद्रोही बोला गया, कभी पता नहीं क्या क्या बोला गया, आप भी साथ साथ लपेटे में आए थे बहुत बारी। मनीष निकल रहा है बाहर, आप हैं, हम हैं, ये हैं, सब लोग मिल करके एक नया बिहार बनाने के लिए, एक मजबूत बिहार बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। देखिए उनके दोस्त अनिकेत रंजन यहाँ पे मौजूद है, सन ऑफ बिहार के लिए, सन ऑफ किसान लिए खूब लड़ा है और कहीं ना कहीं जीत तो मनीष कश्यप की है ही, साथ में मुझे लगता है आपके संघर्षों की भी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज है कि एनएसए तो हट गया, अब रिहाई की बारी है। एनएसए तो हट गया, अब रिहाई की बारी है। तेरे हौसले के हर समुंदर पर हमारा एक बूंद भारी है। अरे वाह, कितनी खुशी महसूस हुई जब पता चला। खुशी तो है ही, जिस समय खबर सुने उस समय आंखों में आंसू भी था। हाँ। और सबसे बड़ी चीज हमको उस समय जब खबर सुने कि एनएसए हट गया, हाँ। मानिए कि मतलब हम बता नहीं पा रहे थे, किसी को कॉल नहीं कर पा रहे थे, किसी को काफी कुछ था आदमी, और उस दर्द उस तकलीफ को आदमी याद कर रहा था। जो आदमी देशभक्ति हो या लोगों का सेवा करना हो या किसी के हक अधिकारी के लिए लड़ना हो, मनीष कश्यप ने सब किया। बावजूद उसके हर वीडियो बनाने से पहले जय हिंद बोलने वाले आदमी के साथ अगर इस तरह का, अगर हमको लगता है कि ना ये 8 से 9 महीना का ये वनवास काट करके आया है और तो बिहार के लिए राम राज्य जरूर आएगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और हमें लगता है कि बिहार के लोगों को समर्थन करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो हम देना चाहते हैं बिहार से बाहर काम कर रहे उन लाखों मजदूरों का, जो जब फैक्ट्री से और कारखाने से काम करके आते थे तो 12 बजे 1 बजे रात में वीडियो शेयर करते थे, चाहे आपका वीडियो हो, चाहे मेरा वीडियो हो, चाहे किसी का भी डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का या सोशल क्रिएटर का वीडियो हो, 1 बजे रात में भी शेयर करते थे और या उस उम्मीद से शेयर करते थे कि बिहार का बेटा जेल से बाहर आएगा और बिहार में कुछ अच्छा तस्वीर आएगा। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग का प्रयास ये है कि अगर किसी गरीब को अस्पताल में जाना है इलाज कराने के लिए तो बेड के लिए किसी मनीष कश्यप या अनिकेत रंजन को फोन न करना पड़े, किसी मंत्री या विधायक या सांसद को फोन न करना पड़े। सिस्टम ऐसा हो कि बिना किसी के पैरवी का उसका इलाज हो, उसको बेड मिले, उसके बच्चे को शिक्षा मिले, ये सारी व्यवस्था हो। ये कब होगा? जब बिहार में बदलाव की लहर उठेगी और बिहार में एक नया चेहरा, एक एजुकेटेड चेहरा आएगा, तबे जाकर होगा। एक लंबा समय महासभा, कभी रैली का आयोजन, कभी मतलब धरना प्रदर्शन, कभी शांतिपूर्वक जो है वो रैली निकाली जा रही है, इतने दिनों का संघर्ष, इतने दिनों का मेहनत, लग रहा है कि अब सफल हो रहा है। मैं इस कड़ी में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, संघर्ष सबने किया, हमने भी किया, सबने किया, लेकिन सबसे ज्यादा मैं खुद से भी ज्यादा धन्यवाद अगर देना चाहता हूँ तो जितने भी यूट्यूब फेसबुक चैनल पर जो पत्रकार के रूप में जो काम कर रहे हैं लोग, डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं, मैं बता रहा हूँ साफ साफ शब्दों में सुनिएगा, मैं खुद से ज़्यादा धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों के टूटती फूटती आवाज़ को मजबूती उन्होंने दिया, लड़खड़ाते हुए कदमों को मजबूती उन लोगों ने दिया। चल गया कि अनिकेत रंजन यहाँ रैली करने वाले हैं, 50-100 लोग एकदम वहाँ पहुँच गए। वही नहीं, बिहार के किसी भी जिले में लगभग 27-28 जिलों में हम गए, उस जिलों में लगभग 40 से 45 यूट्यूब चैनल वाले जो हमारे भाई थे, 100-200 लोग वहाँ के स्थानीय लोग इकट्ठा होते थे, हौसला बढ़ाते थे, हिम्मत देते थे कि नहीं भाई, तुम और मनीष कोई अकेले नहीं हो, ये लड़ाई तुम अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, बिहार के लिए लड़ रहे हो, तो हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। और सबसे बड़ी चीज़ है, वो दिन दूर नहीं है कि एक रथ बनेगा और उस रथ पर सवार होकर के बिहार का बेटा सबको धन्यवाद देने जाएगा। उस आशीर्वाद यात्रा के दौरान बिहार के हर जिले में लोग जाकर, किनको आशीर्वाद, किनसे आशीर्वाद लेना है, उन लाखों लोगों से, उन करोड़ों लोगों से जिन्होंने मनीष कश्यप के अंदर रहते हुए अपना समर्थन दिया, साथ दिया, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे सड़क पर हमारे साथ हो। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जिनकी बहुत सारे वीडियोस आपने भी देखे हमने भी देखे हैं, कभी आतंकवादी बोला गया, कभी देशद्रोही बोला गया, कभी पता नहीं क्या क्या बोला गया, आप भी साथ साथ लपेटे में आए थे बहुत बारी, आपके साथ जो है वो फोटो को कोलाज करते हुए हमने देखा था, क्या जवाब देना चाहिएगा? मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ कि एक समय था जो आपने विरोध किया, एक समय अब आया है कि आपको और हम सबको मिलकर एक साथ बिहार बदलने का प्रयास करना है। कोई दिक्कत नहीं कि आपने मनीष का विरोध किया या अनिकेत का विरोध किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई बिहार में जब अस्पताल में दवाई न रही नू, और जब रुई नहीं रहेगा, सुई नहीं रहेगा, डिटॉल नहीं रहेगा, तो वहाँ इलाज के अभाव में आपका भी परिवार का लोग मर सकता है, हमारे भी परिवार का लोग मर सकता है। तो छोड़िए वो सारी बातें, मनीष निकल रहा है बाहर, आप हैं, हम हैं, ये हैं, सब लोग मिल करके एक नया बिहार बनाने के लिए, एक मजबूत बिहार बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका हम विरोध नहीं करेंगे,
उनके नफरत का जवाब हम प्यार से दिए हैं हमेशा, और उनको तो जो हम तो उनको भी मोहब्बत करते हैं जो हमसे नफरत करते हैं, और उनको तब तक हम लोग प्यार करेंगे जब तक उनका नफरत भी प्यार में ना बदल जाए। तो बदल रहा है ना, क्योंकि दोस्त है। और हमेशा हम लोग कहने का काम करते थे कि 50 भेड़ियों से दोस्ती करने से बेहतर है किसी एक शेर से दोस्ती करो, क्योंकि वक्त पड़ने पे 50 भेड़िए तुम्हारा साथ छोड़ देंगे लेकिन एकलौता उस शेर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएगा तो उसको दिखेगा ना कि कौन उसके साथ था कौन नहीं था। तो सीधी सी बात है, मनीष कश्यप से वैचारिक विरोध सबका हो सकता है लेकिन व्यक्तिगत विरोध उस लड़के से किसी का नहीं होगा। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, किसी से कुछ नहीं लिया है। उनका विरोध करते कौन थे कि हम उनका विरोध करने जाए? कोई नहीं करता था। मनीष कश्यप किसी की बहन के शादी में नहीं गए तो विरोध करने लगता था। मनीष कश्यप किसी के साथ सेल्फी नहीं ले दे पाए तो उसमें विरोध करने लगता था। मनीष कश्यप किसी के उद्घाटन में नहीं जा पाए वो विरोध करता था। तो ये छोटा छोटा विरोध करने वाले का विरोध हम लोग करेंगे तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? उन्होंने विरोध किया, वो उनका सोचता, हम उनसे प्यार करते हैं, उनका सपोर्ट चाहिए मुझे भी भविष्य में, उन सबका समर्थन चाहिए। और एक अकेले मनीष कश्यप, अनिकेत रंजन, आप या सब लोग मिल करके हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। विरोध करने वाले, समर्थन करने वाले सभी लोगों को मिलकर एक साथ जोर लगाना होगा, तब जाके बिहार का सिस्टम बदलेगा। और हम तो चाहते हैं बिहार का ऐसा सिस्टम हो जहाँ किसी गरीब को लाइन में खड़ा होकर के घूस न देना पड़े, पैसा न देना पड़े, ताकि दाखिल खारिज हो, चाहे रसीद कटे, चाहे किसी का LPC बनाना हो, चाहे किसी का इलाज कराना हो, सबका बिना पैरवी का इलाज हो, काम हो। यही सपना मनीष का सबका भी, यही सपना मेरा भी, और हमको लगता है यही सपना हर किसी का भी होना चाहिए।